ध्यान मूलं गुरोर् मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरोर् वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् मंचासीन पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम पूज्य संत श्री शैलेश साहेब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर बड़े मीठे शब्दों में भजन सुन रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, आप सब लोग बड़े उत्साह से उनको सुन रहे थे। होना चाहिए भजन, सदगुरु कबीर साहेब के भजन हम जिधर जाते हैं भारत के किसी भी प्रदेश में अपनी अपनी शैली में लोग जो उत्साह से गाते हैं, इससे पता चलता है कि सदगुरु कबीर का कितना व्यापक प्रभाव है। पंजाब में जाओ, पंजाबी में लोग कबीर साहेब को कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरियाणा में हरियाणवी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में, गुजराती में, बंगाली में, बिहार में जाओ और इधर भोजपुरी में, सब तरफ अपने अपनी भाषा में शैली में गाते हैं और छाप लगाते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये सदगुरु कबीर के व्यापक प्रभाव और उनकी विशाल व्यक्तित्व की ये पहचान है। सदगुरु कबीर के बारे में कौन नहीं जानता होगा, उनके विचार, उनकी जीवन गाथा आज सबको, चाहे नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, सब उनसे परिचित हैं। आइए हम उन्हीं के कुछ विचारों को यहाँ पर मनन करते हैं। एक एक चीज को हमें विचार करके सोचना चाहिए कि क्या करड़ी है क्या अकरड़ी है, किन चीज़ों को अपना करके हमें शांति मिल सकती है, किन चीज़ों को अपना करके हम भटक जाएंगे अज्ञान अंधविश्वास में। यही तो कबीर का पारख ज्ञान है। पारख सिद्धांत का मतलब ही होता है एक एक चीज को परख परख करके मानना, जानना और करना। बिना विचार किए लोग कर रहे हैं, भीड़ लगी है उधर, बहुत लोग जा रहे हैं, इसलिए हम भी वो काम करें, जरूर उससे लाभ होता होगा, ये ठीक नहीं है। विचार करें, आपके पास आप हर चीज को देखते हैं। कोई कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो दुकान में गए और जैसे दुकानदार दे देता है, क्या सब लेकर के चले आते हैं क्या पैसा देकर? नहीं, आप कई बार उस पर छानबीन करते हैं, ये कपड़ा उपयोगी है कि नहीं, खराब तो नहीं है। कहीं भी चावल खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए, तो कई बार देखते हैं, परखते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के बारे में भी हमें छानबीन करना चाहिए। यही छानबीन की शक्ति को पारख कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। परखे और परखावे, और ये कहाँ पर हो सकता है? सत्संग के बीच में। सत्संग में इसीलिए जाया जाता है। सत्संग में किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, एक बात बता दूंगा तो दूसरी बात मालूम हो जाएगी। सत्संग में किसको नहीं जाना चाहिए? सत्संग में उसको नहीं जाना चाहिए जिसको कभी बुढ़ापा ना आए। सत्संग में उसको नहीं जाना चाहिए जिसको कभी कोई रोग ना लगता हो। सत्संग में उसको भी नहीं जाना चाहिए जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, ना होती हो। सत्संग में उसको नहीं जाना चाहिए जिसको काम क्रोध लोभ मोह भय चिंता ना सताते हों।
और सत्संग में उसको नहीं जाना चाहिए जिसके मन में कभी अशांति ना आती हो। अब आप सोच लीजिए इन बातों में से आपके जीवन में कौन कौन सी चीज लागू नहीं होती है, तो आप सत्संग में ना जाइए। अगर पता लगाया जाए, पूछा जाए, तो शायद इन सारी विपत्तियों से और सारी समस्याओं से आप ग्रस्त होंगे, तो इनका निदान होगा कहाँ? कोई डॉक्टर साहब करेंगे, कोई मास्टर साहब करेंगे, कि थानेदार साहब करेंगे, कि वकील साहब या नेताजी करेंगे? इसका निदान केवल सत्संग में हो सकता है। विवेकवान, वैराग्यवान, निष्काम जो आत्मलीन सच्चे संत हैं, उनके सानिध्य में, उनकी शरण में और उनके उपदेशों से हो सकता है। इसलिए हम सबको बड़े ही उत्साह और प्रेम श्रद्धा के साथ सत्संग में जाकर के हमें इन ज्ञान वैराग्य की बातों को सुनना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से ही दुखों का अंत हो सकता है। दुख क्या है? आपको भगवान नहीं मिला है, ये दुख है? आपके पास रंगीन टीवी नहीं है, इस बात का दुख है? आपको रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा, इस बात का दुख है? नहीं, ये कोई दुख नहीं है। आपके इस कुआं गांव में भी जहां पर एक बार आए थे हम लोग, साधारण स्थितियां थी, एकदम मिट्टी के मकान ज्यादातर थे, आज उसमें 50% बदलाव हो गया है। गांवों में भी, आज भारत के गांवों में भी खूब पक्के मकान बन रहे हैं। पुराना जमाना था कभी कि खाने के लिए कभी कभी इधर सावन भादो और माघ पूस में कई बार भूखमरी पड़ती थी ना, और आज 3 बार गरम गरम भोजन मिलता है, जलपान मिलता है, दूध मिलता है, रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान है, पहनने के लिए व्यक्ति के 4 नहीं 10 10 20 20 जोड़ी कपड़े हैं, और गाँव में भी अच्छी 4-व्हीलर गाड़ी आ रही है। लेकिन दुख की बात कहें तो दुखों की कमी आज भी नहीं है। उस जमाने में इतना टेंशन तनाव दुख नहीं होता था जब खाने पीने रहने बसने गुजर बसर की कमी हुआ करती थी। हमारी उम्र तो ज्यादा ना हुई, ज्यादा तो ना अनुभव नहीं, सुनने से पता चलता है कि उस जमाने में और अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में कभी भी गांव में आत्महत्याएं नहीं सुनी जाती थी, और आज उन खाते पीते घरों में, संपन्न धनियों के घरों में आए दिन देखा जाता है बीच बीच में कि लोग कोई फांसी लगा लिया, कोई ट्रेन में जाकर के कट गया, कोई और किसी ढंग से जहर खा करके मर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मानसिक तनाव आज खूब बढ़ा है लोगों के दिल दिमाग में। क्यों बढ़ा है? इच्छाएं कामनाएं, इतनी इच्छाएं कामनाएं बढ़ गई हैं और इतनी वासनाएं बढ़ गई हैं, काम क्रोध लोभ मोह बढ़ गए हैं कि जिससे अशांति, चीजें काम नहीं आएंगी, ये बहुत पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं आएगी। अपने बच्चों को आज लोग खूब पढ़ा रहे हैं, साल भर का हुआ नहीं कि बस स्कूल में दाखिल किए नहीं, और फिर पढ़ते 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 वो 25 साल 30 साल की उम्र का हो जाता है, पढ़ता जाता है, इतना पढ़ा, और इतना सब पढ़ने के बाद भी क्या हासिल किया? नौकरी पा गया, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता बन गया, रुपया कमाया, और रुपया कमा करके गाड़ी, मकान, कपड़े और अनेक जीवन गुजर की सुविधाएं इकट्ठी किया, और लड़ना झगड़ना, क्रोध, दुख, मानसिक तनाव और वासनाएं, क्रोध, अशांति, ये सब वैसे ही बने हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, बाल बच्चे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पढ़े भी हैं, धनी भी हैं और बड़े सूटेड बूटेड भी हैं, अच्छे अच्छे सुविधाओं में रह भी रहे हैं, कलह वैसे, दुख वैसे, विपत्ति वैसे, अशांति वैसे, क्या तमाशा है जिंदगी? यही जिंदगी जीने का मकसद है क्या? हमारा जीवन जैसे जैसे आगे बढ़े दुखहीन होना चाहिए। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे,
कि व्यापार ऐसा हो जिसमें दिनों दिन उन्नति होती जाए। 10,000 रुपया लगा करके आपने शुरू किया दुकान और 4 महीने में उसमें बढ़ोतरी हो जाए, 15,000 का हो जाए सामान आपके पास, और साल भर में 2 साल में 20,000, 25,000, 50,000 हो जाए, तब तो ये मुनाफे का व्यापार है। और वह व्यापार किस काम का जिसमें मूल पूंजी वृद्धि तो हो ही ना, लाभ तो हो ही ना, और मूल पूंजी भी घटती जाए। हमारे जिंदगी का व्यापार ऐसे ही हो रहा है। जब हम जन्मे थे, बचपन की जो निश्चिंतता, खुशियाँ, प्रसन्नता और चेहरे की जो आभा थी, मुस्कान थी, युवा अवस्था में बहुत घट गई। वो उत्साह नहीं, वो प्रसन्नता नहीं, और वो प्रेम नहीं, और अधेड़ अवस्था आते आते तो चेहरा मुरझा गया, वो चिंता भय सवार हो गई, और आदमी बस मुंह लटकाए इधर से उधर भागता रहता है घर परिवार की जिम्मेदारियों में, अब काम क्रोध लोभ मोह में बौखलाया रहता है। और बुढ़ापा आते आते तो पतझड़, जैसे आजकल देखो वृक्षों में पतझड़ आ गए, एकदम खंकमंक हो रहे हैं, और अंतिम अंतिम जीर्ण होते, यहाँ से विदाई होते होते तो कंगाल हो करके चला गया यहाँ से। यही है हमारे जीवन की उन्नति। रोते रोते हम जन्मे थे, यह तो हमारी व्यवस्था थी। मनुष्य रोते रोते जन्मता है और शिकायत करते करते जीता है, ये प्रथम हार है। रोते रोते जन्मना, तो देखो मनुष्य कहीं का भी हो दुनिया में, मनुष्य का बच्चा जन्मते समय रोता ही है, स्वाभाविक है। जन्मा जिस बंद अंधेरी कोठरी में वो 9 महीने था, बाहर की हवा नहीं, बाहर की कोई उसकी उसको प्रभाव नहीं, जन्मते ही बाहर का वातावरण उसको तीर की तरह लगा और रोया, और जैसे वो रोया तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि बच्चा सकुशल है, ठीक है, चलो अच्छा है। हमारी व्यवस्था थी कि उस समय हंस नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए रोना शुरू हो गया, कहीं दूध के लिए, कहीं खेलने के लिए, तो कहीं मित्रों के लिए, तो कहीं खिलौना के लिए, कहीं पढ़ने के लिए रोए, अब रो रहे हैं, अब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, और मुझे ये चाहिए वो, ये मतलब शिकायत ही शिकायत उसके जीवन में भरी रहती है। तो शिकायत करते हुए जीता है, शिकायत एक रोना ही है, और अंतिम में पछताते पछताते, हाय मैं क्या करूं, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मुझे तो इतना कमाना था, ये बटोरना था, उनसे मिलना था, उनको पछाड़ना था, इतना बड़ा पद पाना था, और ऐसी संपन्नता चाहता था, क्या करूं, ये नहीं मिला, वो नहीं। यही शिकायत करते करते एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। यही है जीवन की हार। इस हार से हम बचें। सत्संग में यही बताया जाता है, इसलिए सबको सत्संग में आना चाहिए। जो रात दिन हम अनुभव करते हैं वो सत्संग में हमें मिलता है। आप दुनिया के किसी भी पद पर चले जाएं, कहीं भी कुछ कमाने लग जाएं, और कहीं कोई भी ऐश्वर्य पा जाएं, तो वो ऐश्वर्य, वो पद, वो उपलब्धि आप ला करके घर में धर देंगे, अथवा कहीं रहेंगे तो वहां पर अलग से वो होगा। आप किसी सभा के सभापति हो जाएं, एक मकान के बड़े मालिक हो जाएं, और आप और कहीं कुछ, तो एक समय में कहीं कुछ होंगे, लेकिन रात दिन जो अनुभव कर रहे हैं, सुख का, दुख का, चिंता का, भय का, शोक का, अशांति का, वो तो हर समय आपके दिल दिमाग में बसा हुआ है ना, और आप उससे परेशान हैं, तो उस अनुभव को हम कैसे बदलें कि वो निर्भयता और शांति में बदल जाए। यही सत्संग में बताया जाता है, और ये होगा इच्छाओं के, विकारों के त्याग से, सच्ची समझ से। हमारी समझ में बदलाव आना चाहिए। हम भयभीत रहते हैं, हमें यही नहीं पता चलता है कि मैं कौन हूं, शरीर क्या है, हमें यही नहीं पता चलता है कि मेरी मृत्यु होगी कि शरीर की मृत्यु होगी,
सज्जनों, ये निर्णय केवल एक पारक सिद्धांत बताता है। और दूसरे मत पंथों में चले जाइएगा तो वहां भी है छुटपुट निर्णय। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, कहीं नहीं है, सभी सिद्धांतों में, चाहे बौद्धों में, जैनों में और आर्य समाजियों में, वैष्णवों में, सन्यासियों में, कहीं भी जाओ वहां भी ज्ञान की बातें हैं। लेकिन कहीं न कहीं किसी ढंग से कहीं भूत प्रेत का, कहीं जादू टोना का, कहीं मंत्र तंत्र का, भगवान भवानी का, दैववाद, ईश्वरवाद, भाग्यवाद, भौतिकवाद का बोलबाला वहां भी है। हमारे जीवन में इन चीजों से हट करके जब निर्णय ज्ञान आएगा तब शांति मिलेगी, तब भय मिटेगा, तब दुख कटेगा। तो हमको चाहिए कि हम निर्णय ज्ञान के अनुयायी बने। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार इने बेरे। वही मेरा अनुयायी है, वही मेरा सच्चा भक्त है, जो घर की रार इने बेरे। घर, घर का झगड़ा, घर का कलह जो मिटावे, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा भक्त है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस दाए, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सदगुरु के अभाव में सारा दुख है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस दाए। सदगुरु जब मिलते हैं तब वे हमें निर्णय, सच्ची बातें, जीवन की वास्तविकता बताते हैं। देखो, जब सच्चे संतों और गुरुजनों की संगत नहीं मिलती है तब क्या होता है? अंडा, मांस, मछली, ये शुरू हो जाता है। लेकिन जब बोधवान, अच्छे निर्णयी संत मिलते हैं तब इन सब से हमें निकाल करके यथार्थ ज्ञान की बातें बताते हैं।